नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र देश भर में सबसे स्वच्छ हैं। यह बात देश भर में करवाए गए सर्वे के बाद सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस मामले में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करके हरियाणा को सम्मानित किया। यह सम्मान लेने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे तथा उन्होंने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। बाद में स्वच्छता के मामले में मिले पुरस्कार को हरियाणा की जनता को समर्पित किया। करनाल से देखे कदम सिंह की यह रिपोर्ट और सुने कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज महात्मा गांधी जी का 149वां जन्मदिवस है और 150वीं जयंती, एक वर्ष तक देश भर में उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उन मार्गों पर हम चलेंगे। जहां देश की आज़ादी के प्रति महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, वहीं स्वच्छता की अलख जगाने का, स्वच्छता भी उनके स्वभाव में थी और उस स्वच्छता के काम को भी उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ाएंगे। 4 वर्ष का ये अभियान इस वर्ष 2019 2 अक्टूबर तक देश के अंदर इस स्वच्छता अभियान को कम्प्लीट किया जाए, इस एक वर्ष के अंदर उस काम को हम पूरा करेंगे। आज मैं हरियाणा की जनता की ओर से महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमको जो एक पुरस्कार मिला है स्वच्छता में सर्वेक्षण के माध्यम से, वो पुरस्कार हरियाणा की जनता को समर्पित करता हूं। देखिए, स्वच्छता ग्राही बहुत लोग उसमें शामिल हुए हैं। हमने स्वच्छता हरियाणा, स्वच्छता मिशन इसको भी बनाया है और उसके भी कई कार्यकर्ताओं को काम दिया गया है। और भी जो लोग इसमें अपनी रुचि दिखाने वाले होंगे उनको इस स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा।